नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। बिग बॉस 17 बढ़ते दिनों के साथ साथ और भी दिलचस्प होते जा रहा है। एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे कंटेस्टेंट्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बीच लगातार झगड़े और बढ़ते ही जा रहे हैं। घर में हुई एक घटना ने फैंस को और को कंटेस्टेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस घटना में अंकिता लोखांडे नील भट्ट के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को खूब भला बुरा कहा। इस पर एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सृष्टि रोडे ने अंकिता के प्रति नील के एग्रेसिव बिहेवियर पर प्रतिक्रिया दी है और इसे बहुत ही डरावना बताया है। सृष्टि ने ये रिएक्शन बिग बॉस 17 का एक प्रोमो देखने के बाद दिया। प्रोमो में दिखाया गया है कि विक्की जैन और ऐश्वर्या शर्मा नॉमिनेशन करने को लेकर बात करते हैं। ऐश्वर्या कुछ ऐसा बोलती है जिस पर अंकिता लोखांडे रिएक्ट करती है। फिर नील भट्ट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नील और अंकिता की बहस होती है। ये बहस इतनी होती है कि नील तेजी से बिस्तर पर बैठी अंकिता की तरफ बढ़ते हैं। नील भट्ट अंकिता पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और अपनी जैकेट तक उतार कर फेंक देते हैं। विक्की जैन आगे बढ़कर उन्हें रोकते हैं। तभी ऐश्वर्या शर्मा भी नील को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। दोनों अपने अपने पार्टनर्स को शांत करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन तभी ऐश्वर्या अंकिता को चुड़ैल कह देती हैं। फिर विक्की ऐश्वर्या पर भड़कते हैं। दोनों कपल के बीच खूब तूतू मैं देखने को आजकल मिल रही है। सृष्टि ने लिखा कि आज रात के बिग बॉस 17 के प्रोमो में मुझे गुस्सा दिला दिया। अंकिता लोखांडे के प्रति नील का एग्रेसिव बिहेवियर, जिस तरह से उसने उस पर अटैक किया, खासकर जब वो बिस्तर पर बैठी थी और बात कर रही थी, बिल्कुल घृणित है। हाल में ही वीकेंड का एपिसोड में सलमान खान ने विक्की जैन को फटकार लगाई थी। उन्होंने शो में आने से पहले बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हुए नील भट्ट को कॉल किया था। सलमान ने पूछा था कि किसी ने घर में आने से पहले किसी अन्य को कंटेस्टेंट से बात की है। इस पर विक्की ने कहा था कि उन्होंने शो में आने से 2 दिन पहले नील भट्ट से बात की थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।